जय हिंद। सबसे पहले एक वार्निंग भैया, पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को न देखें तो ही अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हमारे भारत के वीर सिपाहियों ने, दो सैनिकों ने मिलकर पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को घुटने टेका दिया था और दुनिया का सबसे बड़ा हार हुआ था और भारत के दो सैनिक मारे गए थे लोंगेवाला में। हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे पीएनएस गाजी को डुबा दिया गया। ये भी बताएंगे कि चाइना पाकिस्तान का इतना बड़ा दोस्त बनता है लेकिन 1971 में क्यों नहीं बचा पाया, ना चाइना बचा पाया और ना ही अमेरिका बचा पाया। इस वीडियो में हम ए टू जेड बातें करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो कोई भी पाकिस्तानी की हैसियत नहीं होगी कि आपसे आंखें मिला सके, इसलिए इस वीडियो को देखते रहिएगा। यदि आप राष्ट्रवादी, अगर आप भारतीय हैं तो ही इस वीडियो को देखें। पाकिस्तानी और बाहर के चाइनीज वगैरह लोग इस वीडियो को न देखें, ये उनके लिए एक तरह का वार्निंग है, क्योंकि इसमें हम भारतीय सेना के हर उस वीर गाथा को बताएंगे जो एक हर भारतीय सुनना चाहता है, ए टू जेड उस बातों को बताएंगे। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें, तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी, और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ़ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। भाई किससे मैच करता है तो आप तो समझ में आ गया, भाई बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, ध्यान से समझिए। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसी समय पाकिस्तान दो भाग में था। एक इधर वाला जो एरिया है इसे हम लोग कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, जो मेन पाकिस्तान का एरिया है, और ये जो आज आप बांग्लादेश देख रहे हैं ये बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं था, बल्कि ये उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा को बोलते थे। पाकिस्तान के लोग इन लोगों को बड़ा भद्दे मजाक करके बोलते थे, कहते तुम लोग गधे हो, कुछ नहीं जानते हो, किसी काम लायक नहीं हो, यूजलेस हो लोग, तुम लोग छोटे हो, काले हो, मतलब उल्टा सीधा मजाक कर रहे थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इधर के लोगों को पसंद नहीं करते थे। हो गया नहले पे डाला 1970 में इस पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए और वो यहाँ के प्रधानमंत्री के पद के चुनाव जीत गए। अब यहाँ की आर्मी ने क्या किया, उनको शपथ ही नहीं दिला रहे थे, इसलिए 70 के चुनाव जीतने के बाद शेख मुजीबुर रहमान जब देखे कि ऐसा है तो उन्होंने अपना भाषण दिया 7 मार्च को और कहा कि अब हम इस पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बांग्लादेश। इस भाषण के वजह से आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने 25 मार्च 1971 को गिरफ्तार करके अब पश्चिमी पाकिस्तान में अरेस्ट करके बंदी बनाकर रख दिया और यहाँ पर जुल्म करना चालू कर दिया। कहाँ पर भाई, तो पूर्वी बंगाल में, पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी बंगाल में नहीं, पूर्वी पाकिस्तान में इन्होंने जुल्म करना चालू कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान के गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ मुक्ति वाहिनी नाम कर एक विद्रोही गुट तैयार हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने इस पूर्वी पाकिस्तान पे इतना भयानक जुल्म किया कि इस पूर्वी पाकिस्तान में, इस पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर 30 लाख लोगों को कटवा दिया, 30 लाख लोगों को कटवा दिया, 4 लाख महिलाओं का बलात्कार कर दिया, अपने देश के 4 लाख औरतों का रेप किया। यहाँ पे इतना भयानक वो दृश्य है कि अगर हम उसको YouTube पे दिखा देंगे ना तो YouTube हमारे ऊपर क्लेम करेगा, भैया आप ये सब इतने भयानक दृश्य नहीं दिखा सकते, आप अंदाजा लगाइए इनकी क्रूरता का, ये अपने देश पर इतना भयानक जुल्म कर रहे हैं। इतना भयानक जुल्म किया इन लोगों ने के शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद। इस जुल्म का नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 1971 तक भारत में यहाँ से लोग भाग के आ गए कि भैया हम जिंदा रहेंगे तब तो, और यहाँ 10 लाख लोग भारत में आ गए शरण लेने के, भैया हमको बचाइए। तो इंदिरा गांधी जानती थी कि जब तक यहाँ शांति नहीं होगा तब तक ये लोग वापस नहीं जा सकते थे, और शांति का एक ही था कि यहाँ पे घुस के इनको मारा जाए ताकि ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग यहाँ पर सुधर सके। तो इंदिरा गांधी ने इसके लिए बात की जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ से, उन्होंने सेना प्रमुख मानेकशॉ से कहा, सैम मानेकशॉ से, कि आप अभी युद्ध कीजिए, हम आदेश देते हैं आप अभी युद्ध कीजिए बांग्लादेश पे, हम अपने पड़ोसियों को इस तरह मरते नहीं छोड़ेंगे, आप इस पे हमला कीजिए। उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान था। मानेकशॉ ने कहा कि ना हम हमला नहीं करेंगे। कही अरे क्यों, कहा कि आप महीना देख रही हैं, अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने का मतलब बरसात का दिन सर पे है और बरसात के समय पूरब का हाल क्या होता है, एकदम भयानक बाढ़ आ जाती है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि सिकंदर की फौज भी हाथी लेके आई थी और कीचड़ में फंस गई थी, कि अगर यहाँ हम लड़ जाते हैं तो यहाँ बरसात रहेगा, हम यहाँ उलझ जाएंगे, ये एरिया सूखा रहेगा, चाइना का ऊपर से एरिया सूखा रहेगा, ये हमला कर देंगे, हमको तीन ओर से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा कि आप दो तीन काम कर लीजिए,
कब तक के लिए कि नवंबर तक हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अप्रैल से नवंबर के बीच में हम अपने सैनिकों को इस एरिया में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, थन मुक्ति वाहिनी उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसी में 1971 में हमारी जो थी भारत और रूस की एक समझौता पर हस्ताक्षर हो गया। अब हम लोगों ने पाकिस्तान को एक बारूद के ढेर पर बैठा दिया था। इंतजार था तो इस बात का कि उस बारूद में एक चिंगारी की और पाकिस्तान तबाह हो जाता। इत्तफाक देखिए, उस बारूद के ढेर पर खुद चिंगारी जलाई पाकिस्तान ने। कैसे तो समझिए कैसे। हम लोग का था कि इधर हम लोग ऑफेंसिव हो जाएंगे, मतलब इधर भयानक हमलावर हो जाएंगे, और इधर हम लोग डिफेंसिव रहेंगे, मतलब इधर कम हमला करेंगे। ताकि हम लोग का मेन मकसद पाकिस्तान से युद्ध नहीं था, हमारा मेन मकसद था हमारे अपने बांग्लादेशी भाइयों पर जो जुल्म हो रहा था, जो उनकी बहनों को रेप हो रहा था, इतना भयानक किया था वहाँ पर पाकिस्तानियों ने कि बाप के सामने बेटी का रेप करते थे और उसके बाद बाप को मार के कहते थे तू भी रेप कर। इतना मतलब मानवता पूरी खत्म कर दिया गया वहाँ पर। तो भारत ने कहा कि इधर हम डिफेंसिव रहेंगे। पाकिस्तान को ये खबर लग गई कि भारत ना इधर कमज़ोर है। अरे भैया, इधर हम कमज़ोर थोड़ी हैं, इधर कम सैनिक रखे हैं और इधर हम भयानक रखे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कमज़ोर हो जाएंगे। भैया, कहा जाता है ना कि सोनार के घर का कचड़ा भी बनिया के बादाम से महंगा बिकता है। देखिए, हम लोग ठंडी का इंतजार ही कर रहे थे कि पाकिस्तान ने गलती कर दिया। उसने 3 दिसंबर को अचानक हमला कर दिया श्रीनगर पर, पठानकोट पर, चंडीगढ़ पर, यहाँ पर आगरा हवाई अड्डे पर तबाहतोड़ हमला कर दिया। एयरफोर्स का इतना भयानक हमला पाकिस्तान का भारत पर हुआ कि भारत देखते रह गया। धड़ पाकिस्तान की जहाज़ें एंट्री मार गई सब भारत में, उसकी एयरफोर्स एंट्री कर दी। इतना भयानक हमला था, इतना भयानक कि भारत का एक भी सैनिक नहीं मरा। समझ रहे ना कितना भयानक हमला था। अरे भाई, आप यहाँ पर घुस जाएंगे हमारे देश में तो क्या हो जाएगा भैया, मूस मोटैन लोढ़ा हुईन, हाथी घोड़ा थोड़े हुईन। भारत तो इसी का इंतजार कर रहा था। देहात में कहावत कहा जाता है कि रोए के रानी तले अखिए खुदा गई। भैया, हम प्लाने कर रहे थे कि हमला करने के लिए कि आप हमारे पे हमला करिए दीजिए। अब विश्व का भी दबाव नहीं आएगा हमारे ऊपर कि भैया हमला तो आपने किया है, अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं भारत, एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया। इसी बीच पाकिस्तान को एक खतरनाक खबर लग गई। क्या थी खबर भाई? तो देखिए, पाकिस्तान को खबर लगी कि भारत की ज़्यादातर फौज इस पूर्वी पाकिस्तान की ओर डिप्लॉयड है और यहाँ राजस्थान के जैसलमेर जिला में एक जगह है लोंगेवाला। उस लोंगेवाला में केवल और केवल 120 फौजी हैं, और अगर पाकिस्तान ने सोचा कि 120 फौजियों को हम रातों रात मार देते हैं तो उस समय एयरफोर्स रात में लड़ाई नहीं कर सकती थी। इसलिए इन्होंने लोंगेवाला में एंट्री मार दी, पूरी भयानक टैंक लेकर, फौज लेकर, इन्फेंट्री लेकर, और उसको वो लोग लोंगेवाला में घुसने के लिए चल दिए। और लोंगेवाला में भारत के पास केवल 120 सिपाही थे, केवल 120, और उन पर वो हजारों की संख्या में टूट पड़े। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो जाएं, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती हैं। लोंगेवाला में जो ड्यूटी थी उस समय कुलदीप सिंह चांदपुरी जी का, कुलदीप सिंह चांदपुरी सरदार हैं, आप देखे होंगे बॉर्डर मूवी में इनका रोल सनी देओल ने किया है। अब ये कुलदीप सिंह, ये भैया पंजाबी सिख, अब ये लोग 1.25 लाख से नीचे कुछ सोचते ही नहीं है। चिड़िया नू में बाज लड़ावा, गिदड़ नू में शेर बनावा, और 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। खबर आया कि आपसे जो लड़ने आ रहे हैं ना पाकिस्तान की ओर से, वो ब्रिगेडियर तारिक मीर आ रहा है, उसके पास टैंक है, 2800 फौज है और बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहा है। आपके पास केवल 120 जवान है कुलदीप सिंह, आप पीछे हट जाइए, आप पीछे हट जाइए, क्योंकि आपको हम ना, आप बहादुर हैं इसमें नो डाउट, लेकिन आप कैसे लड़िएगा उतनी भयानक फौज के पास से। यहाँ उन्होंने कहा खालसा सिख है, नहीं हट सकते हम, हम दिखा देंगे कि हम 120 भी उन पर क्या पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे। इनके पास ना ही टैंक को उड़ाने के लिए कोई संसाधन थे, टैंक को मारने के लिए एक जीप पर लगा हुआ छोटा सा तोप था, और इनके पास 3 ठो माइंस लगे थे। माइंस, माइंस समझते हैं आप लोग, टैंक जो होता है ना बम, उसको उड़ाने के लिए माइंस लगाए जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये है माइंस, ये माइंस होते हैं, इस पर अगर टैंक चढ़ता है ना तो टैंक ब्लास्ट कर जाता है। तब इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया, जो खाली रेगिस्तान था ना उसमें ना आगे की ओर 3 ठो ओरिजिनल माइंस को लगा दिया, और जो खाना खाने वाला टिफिन होता है ना 4 खंधे वाला, इसे उस टिफिन को इन लोगों ने रातों रात ना बिछा दिया ऐसे लाइन से। देखिए लाइन से पाकिस्तान की टैंक आई तो शुरुआत में तो भैया ओरिजिनल माइंस था, धाम से लगा, पाकिस्तान की टैंक उड़ गई, पाकिस्तान का एक टैंक उड़ा, फिर दूसरा उड़ा, तीसरा उड़ा, पाकिस्तानी एकदम डर गए सब।
ब्रिगेडियर तारिक मीर कहें कि भैया यहाँ तो माइंस लगा के रखा है इन लोगों ने, एक काम करो इंजीनियरों को बुलाओ, पूरा माइंस निकालो। अब ब्रिगेडियर जो हमारे मेजर कुलदीप सिंह थे, ये जानते थे कि बाबू अगर हम तुमको रात भर रोक दिए ना तो सुबह हमारी एयरफोर्स आएगी, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए इन्होंने पूरा टिफिन बिछाया था। इन पाकिस्तानियों ने 6 घंटे लगा दिए उनको निकालने में। इंजीनियर आते थे तो डर के मारे टिफिन निकालते थे, अरे बाप रे बाप, और टिफिन में तो ईंटा पत्थर भर देते थे और डर के ले जाते।